प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने पादरी बाजार स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय जंगल सालीग्राम में मतदान किया, जिसके संबंध में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि हमने अपना वोट डाला है। यह चुनाव नगर निगम में अपना नेता चुनने का चुनाव है, जो कि अपने वार्ड की समस्याओं के लिए लड़ सके। हमारा निषाद समाज बीजेपी के साथ है, इसलिए निकाय चुनाव में बीजेपी जीत हासिल करेगी। उन्होंने सपा प्रत्याशियों पर तंज कसते हुए कहा कि सपा के प्रत्याशी पहले जनता की सेवा करें, फिर चुनाव लड़ें, तब जीत होगी। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, देखिए मैं लीडर कम टीचर ज्यादा हूँ, और जब से मैं आया हूँ और तब से लोगों को सोशल मीडिया पर मीडिया से बताता रहता हूँ कि वोट जो है एक अभिभावक चुनने का अवसर है। आप उसी वोट से देश का, प्रदेश का और नगर का। तो अगर आपने दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार अपने वोट से अभिभावक चुना है तो उसके बदले बहुत कुछ पाया, तो नगर निगम में अपना मोहल्ला, अपना खुद का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने निकाय का अगर विकास करना हो तो कैसा अभिभावक होना चाहिए उन्हें पता हो। तो अगर दिल्ली की सरकार बनाई है, उत्तर प्रदेश की सरकार जनता ने बनाई है, तो निश्चित रूप से निकाय की भी सरकार बनाएगी और अपना विकास करके दिखाएगी। तो हम अपने समाज से, हम निषाद पार्टी के एक कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी खड़ा और बड़ा करता और नीतियों को जनता तक फिलिंग द गैपिंग सोसाइटी टू लीडर आर पार्टी, तो वो कैडर होता है कार्यकर्ता। तो हमने जो नीति बनाई लखनऊ में उसको जनता तक पहुंचाया कार्यकर्ता ने, तो कार्यकर्ता वोट को ट्रांसफर कराता। तो भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के पास कार्यकर्ता है, इसलिए सभी वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। 80 वार्ड में आपके भी कुछ समर्थन चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, गोरखपुर में वार्ड के लोग सभी लोग हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो त्रुटि बस जारी हो गया था। बाकी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने खुद निषाद पार्टी के लोगों को जगह दे रखी है, तो वो अपनी जगह पर लड़ रहे हैं। निषाद समाजवादी पार्टी ने जो काजल निषाद को भी चुनाव मैदान में उतारा, क्या लग रहा है कितना असर डालेंगे निषाद समाज की? आप निषाद अभी 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 मैं तो उनको यही सलाह दूंगा, जिस प्रत्याशी का नाम है तो राजनीति अगर करना है तो सेवा करें जाके जनता में। ऐसा नहीं कि इलेक्शन के समय 15 दिन जब वो टिकट मिल जाए तो फिर आए यहाँ, आए वहाँ, आए वहाँ, ऐसे नहीं होता। जनता के बीच में रहें, संघर्ष करें और संघर्ष करके आगे बढ़ें और उनके दुख दर्द में शामिल हों। तो दुख दर्द में तो कोई शामिल होता नहीं, वोट ही चाहता है। दुख दर्द में शामिल होती है निषाद पार्टी, दुख दर्द में शामिल होती है। एक तो निषाद है नहीं, नाम से लिखने से निषाद होता नहीं है, क्योंकि निषाद पार्टी ने खुद निषाद समुदाय, निषाद मछुआ समुदाय गोरखपुर का अपनी पार्टी बना रखा है, यही के लोग जाकर पूरे प्रदेश में जगाए हैं, बढ़ाए हैं, इसलिए वोट निषाद पार्टी के साथ। और निषाद पार्टी वो कहती है आपकी बहू है और ससुर का आशीर्वाद उन्हें मिला, तो किसको किसको आपने? मैं तो यही कहूँगा कि पहले भी तो मैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर हमें, हमारे कार्यकर्ता, हमारे समाज को क्या क्या बोल चुकी है, और जिस पार्टी से है उस पार्टी के खिलाफ भी बहुत कुछ बोल चुकी है। तो ऐसे में वोट लेना हो तो कुछ भी कोई बन सकता है, लेकिन समाज जागरूक है और जागरूक है, ये हमारे कैडराइज कार्यकर्ता हैं और निषाद पार्टी के साथ है। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 18% वोट, एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी का संयुक्त है। कल ही मुख्यमंत्री जी ने, आप देखे होंगे कि संत कबीर नगर में, उन्होंने कहा भाई ये संयुक्त उम्मीदवार निषाद पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की हमारा प्रत्याशी लड़ रहा सोनभद्र में और जगहों पर, कई जगह पर लड़ा। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमें साथ दिया और उसका विकास करने का अवसर दिया।